ये असेंबल हो गया जी पूरा। अब हम इसके अंदर लगा देंगे रेगुलेटर, इसका रेगुलेटर को फुल टाइट करेंगे हम यहाँ से पकड़ के, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ट्यूब वाला हिस्सा चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ओरिंग आ गया, तो इसको भी हम सिलिकॉन ग्रीस लगा देंगे। बिठाना लाजमी है। हाँ जी, ये जो ओरिंग है आस्ता आस्ता उनका साइज बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो या तो तब्दील कर दें या उसको अंदर अच्छी तरह से बिठा के फिर उसको टाइट करें, वरना वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको ग्रिप कर सकते हैं और फिर इसको टाइट करेंगे। अब जब हम इसको मुकम्मल टाइट कर देंगे तो अगली दफ़ा जब हम सिलेंडर खोलेंगे तो रेगुलेटर जो है यहीं पे जुड़ा रहेगा, वो ट्यूब के अंदर नहीं फंस जाएगा। ये इसको मुकम्मल टाइट कर दिया। अब इसके बाद हम इसका सिलेंडर इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो वो काम मुकम्मल करते हैं। यहाँ भी हमारे पास दो ओरिंग आ गए हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा सिलिकॉन ग्रीस लगा देंगे। जी, इसको लगाते हुए ये जिधर नंबर लिखे हुए हैं ये साइड परली तरफ आएगी, ये यहाँ से ऐसे लग जाएगा। इसको बिल्कुल सीधा रख के बिल्कुल आस्ता आस्ता इसको दबाते जाएं तो ये अपनी जगह पे सही बैठ जाएगा। ये काम मुकम्मल हो गया। ये चौधरी, आप इसको थोड़ा साफ़ करें। तो अब हम आते हैं इसके, ये जो इनटेक वाल्व होता है इसका, उसका वो रिंग जो है वो हमने चेक करना था, तो इसको भी हम सिलिकॉन ग्रीस लगा के बंद कर देते हैं। चेक करते हैं काम ठीक कर रहा है या गड़बड़ है। अगर गड़बड़ कर की इसने मज़ीद तो हम इसको तब्दील कर देंगे। तो इसमें ये मैग्नेट वाला जो पेचकस है ये काफ़ी काम आता है, वरना वो पेच अंदर जो लगाना अक्सर उसमें मुश्किल पेश आती है। अभी इसमें मैग्नेट से ये जुड़ गया है तो हम उसको सही जगह पे अभी लगा देंगे। ये फिक्स हो गया जी, अंदर नट फिक्स हो गया।
चलिए, अभी ये ओ रिंग आ गया है, इसको भी हम थोड़ा सा सिलिकॉन ग्रीस लगा के फिर इसको हम असेंबल कर देंगे। सिलेंडर देना जी इसका। अच्छा जी, ये हमने सिलिकॉन ग्रीस लगा दी, अब इसको भी असेंबल कर देंगे इसके साथ। तो ये P15 में ये नहीं है कि ये यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, अगर हम टाइट करते जाएं ये टाइट होता जाएगा टाइट, तो फिर ऐसी पोजीशन बन जाती है कि यहाँ पे नूज़ल लगने की, वो फिलिंग नूज़ल लगने की जगह भी नहीं बच जाती। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको बंद करके देखें, ये इसके साथ टच कर जाता है तो ठीक है, बस इतना बंद कर दें, बहुत ज़्यादा इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा और लगता है, यहाँ तक इसको कर देते हैं कि अब इसमें नूज़ल भी लग जाएगी, उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। अगर ओवर टाइट कर दें तो फिर नूज़ल लगने की जगह नहीं रह जाती। अब ये एक तो है कि हम इसको अभी हवा भर के देख लें, लेकिन वो हम चले बाद में देख लेंगे, अभी हम इसकी बैरल फिक्स करेंगे। बैरल हमने साफ़ कर ली थी, और बैरल फिक्स करने के बाद फिर इसकी हम ट्रिगर एडजस्टमेंट देखेंगे कि वो तो कैसी है इसकी पोजीशन, क्या मज़ीद उसको हम एडजस्ट करें या वो वैसे की वैसे ठीक है। तो अभी हम इसकी बैरल की तरफ आ जाते हैं। हाँ, ये बैरल के इसके ओ रिंग जो होते हैं इन पे भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन वाली ग्रीस लगा दें, सिलिकॉन ग्रीस, ताकि इनकी भी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। अच्छा उस्ताद जी, एक और भी सवाल है कि लुधियाना की कोई बैरल असी गुटियां दे विचों कढ़ के फिक्स करनी हो सकती है? पॉसिबल है? कोई भी बैरल आप मशीन कर लेंगे इसके साइज़ के हिसाब से तो वो चल सकती है इसके ऊपर। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਡਿਆਣਾ 35 ਦੀ ਬੈਰਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਰਲ ਹਮ ਲਗਾਏਂਗੇ ਤੋ ਬੈਰਲ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਵੋ ਲੱਗ ਸਕਤੀ ਹੈ ਬੈਰਲ ਇਸ ਪੇ। ਅਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਯੇ ਅਭੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਬੈਰਲ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਵੋ PCB पे, वो स्प्रिंगर पे इस्तेमाल हुई है, इसके बाद आप उसको PCB पे लगा देते हैं तो उम्मीद नहीं है कि वो कोई इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट देगी कि रिज़ल्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो P15 की अपनी बैरल भी बहुत अच्छी है। अभी ये जो ये जैसे ये है नया मॉडल है P15 का, हाँ जी, तो इसकी बैरल जो है वो चोक्ड होती है कंपनी की तरफ से ही।
अच्छा जी कि मजीद उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कई दोस्त चौकट कराते हैं बैरल, वो की वजह फिर पुरानी वो जो पुराने मॉडल थे उनमें बैरल जो है वो बगैर चौक के आती थी, तो उसमें फिर कई लोग जो हैं वो ज़्यादा कोई एक्यूरेसी के लिए चौक करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें ख़र्च हो जाता है लोगों का। अभी इसका छोटा सा लॉक देंगे, अभी इसमें ये लॉक लगा के थोड़ा सा लॉक को इधर से खोल देंगे ताकि ये इस्तेमाल के दौरान ये लॉक जो है ये गिर ना जाए। इतना सही काफ़ी है, अभी ये निकलेगा नहीं लॉक इसका। अब हम देख लेते हैं कि इसका ट्रिगर जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इसका फर्स्ट पुल जो है बहुत शॉर्ट है, सेकंड पुल भी मुनासिब है, कोई इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं ले रहा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें कि इसकी फ़ोर्स को मज़ीद कम करना चाहते हैं सेकंड पुल की, तो ये छोटा सा इसका एल की स्क्रू लगा होता है, ग्रब स्क्रू, इसको आप टाइट करेंगे तो स्क्रू मज़ीद लूज़ होगा, इसको आप लूज़ करेंगे तो स्क्रू इसका टाइट होगा, कि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। और जहाँ तक चौधरी आप कह रहे हैं कि फ़र्स्ट पुल हमें चाहिए, थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो हाँ उसके लिए ये इसके लगे होते हैं जी। जी अगर हम देखें ये वाला नट लगा हुआ है, इसको थोड़ा लूज़ करें, इसको घुमाएँ, ये वाला भी कई दफ़ा हमें लूज़ करना पड़ता है, या ये ग्रब स्क्रू लगा हुआ था, इसको घुमा के इसको शॉर्ट कर देंगे हम। ये जो है ये क्या चीज़ है, ये एक ट्रिगर का रॉड लगा हुआ है ना जी, ट्रिगर इसका यहाँ पर है, लेकिन ट्रिगर काम किधर कर रहा है, यहाँ पर। ये वाला जो है चीज़, इसको हम थोड़ी छोटी कर दें तो फर्स्ट पुल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा लूज़ करके इधर से बड़ा कर दें इसको, इस रॉड को, तो पहले हमें ज़्यादा फासले तक खींचना पड़ेगा, फिर जाके ये ट्रिगर ब्रेक होगा। अभी जो है मुनासिब है इतना ही, इसको आप बेहतर है कि ना छेड़ें। अभी अगर हम देखें कि ये लोड होगी तो यहाँ तक इसका फर्स्ट पुल है, फर्स्ट पुल, और फिर ये जब ब्रेक करना है तो बड़ी मुनासिब फोर्स पे ये ब्रेक हो रहा है, इसको मज़ीद एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसके बाद हम अभी इसमें चले अभी वो भी लगा देते हैं, इसका स्टॉक लगा देंगे, क्योंकि अगर हमने दोबारा वो खोलना है इनटेक वाल्व को, तो वो स्टॉक लगा हो तो वहाँ से भी हम इसको खोल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा हमें। तो ऐसे स्टॉक लगाएंगे और इसके ये दोनों स्क्रूज टाइट करेंगे। तो स्क्रू टाइट करने के लिए रूल याद रखें, इसका ये चीज़ इधर होनी चाहिए, ऐसे करके स्क्रू को टाइट ना करें, उससे ये ओवर टाइट पोजीशन में चला जाता है। तो इतना सा ये टाइट इसका मुनासिब होता है। स्प्रिंगर में होता है कि वाइब्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें स्क्रू जो हैं वो टाइट होने चाहिए, फिर वो सही काम करती है, जबकि पीसीबी में इतना ज़्यादा ये स्क्रूज का नहीं होता, तो वो अभी भी ये ठीक काम करेगी। तो अभी हम इसमें हवा भर के देखेंगे कि आया इधर से लीकेज हो रही है, अगर लीकेज हो रही हुई तो फिर हम इसका इनटेक वाल्व जो है वो चेंज कर देंगे, वरना ये हमारी गन
तैयार हो गई है जी, गुड हो गया जी। हाँ जी उस्ताद मतलब एक होर सवाल भी है कि यह जो अस देखो ना स्कोप सिस्टम फिट किए इतने मुनासिब है या इन पिछे ही आगे करके अं कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप इसको P15 में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन होता है कि इसको हम यहाँ के बजाय इधर ले जाएं, एक इधर रखें, ये दूसरा इधर रखें, इनकी डिस्टेंस चेंज करें, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे बेहतर ये होता है कि इन दोनों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फासला रखें जो आप इस गन के लिहाज से कर सकते हैं कि ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी आ सकता है और ये इधर तक जा सकता है। जितना इनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा आपकी स्कोप जो है वो अपनी जगह ज़्यादा मजबूती से जुड़ी रहेगी। इसके बाद आता है कि ये किधर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इसका होता है कि आपने आँख रखनी है यहाँ पर, यहाँ आपकी आँख होनी है और स्कोप का हर एक का थोड़ा सा मुख्तलिफ फासला होता है कि वो कितने इंच से हमें बिल्कुल फुल स्क्रीन व्यू दिखाती है, कई स्कोप है वो यहाँ से दिखाएंगी, कई यहाँ से, कई कई तो एक फुट वाली भी होती हैं। चलें बहरहाल हमारी आमतौर पे जो 3 इंच के करीब होता है डिस्टेंस, तो हमने देखना है कि हमें फुल स्क्रीन व्यू नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो इसको हम आगे या पीछे कर देंगे स्कोप को ताकि हमें पूरा व्यू नज़र आए, वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया बेहतरीन। अब इसमें वापर है जी। हाँ जी दोस्तों, तो फिर दसो कैसी लगी वीडियो जी? P15 पूरी खोल के जनाब ये ओरिंग चेंज होए, उस्ताद मोहतरम ने आज टाइम दिता तो लाजमी दस्यो जी, कमेंट करके लाजमी सानू दस्यो। शुक्रिया।